यस स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो आपने बात बोली है, आप लोग ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन आपके पास ऑलरेडी है, आपको पढ़ने के बाद एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा कि fx इक्वल टू माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x + 1, इसमें टू क्वेश्चन रिलेटेड आए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो एक क्वेश्चन में पूछा इंक्रीजिंग कब होगा और एक में पूछा डिक्रीजिंग कब होगा। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चार पांच चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट पूछ सकते हैं आपसे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकते हैं, सब रिलेटेड चीजें। सबसे पहले हम समझे कि इंक्रीजिंग मतलब जो इनपुट देने पर इंक्रीज हो, डिक्रीजिंग मतलब जो डिक्रीज हो। जैसे अब अगर मैं एक लॉजिकली देखूं तो साइन एक्स के अगर कर्व को हम बनाएं तो कुछ ऐसा बनता है, अप ग्राफ इंक्रीजिंग, डाउन ग्राफ डिक्रीजिंग, और जो टर्न होता है जिस पॉइंट पर टर्न होता है जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इस पर आगे जाके आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ई पावर एक्स का ग्राफ बनाए तो ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इस पर कोई टर्न नहीं होता है इसलिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। या मैं बोलूं y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, तो ये भी कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, अगर फंक्शन टर्न हुआ है अप इंक्रीजिंग, डाउन डिक्रीजिंग, और जब भी टर्निंग होगी इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा होगा मीन्स मैक्सिमा, और डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा होगा तो मिनिमा। ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं, पर क्वेश्चन करने के पहले एक बार क्विक रिविजन की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती। अब आपसे जैसे इसने पूछा है कि इन विच फंक्शन फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और अगला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग, तो आप समझिए अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, इसके आगे एक माइनस लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी में मिस्टेक होती। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे पर जो ऑप्शंस हैं वो मिस्टेक्स वाले ऑप्शंस हो सकते हैं। इंक्रीजिंग मतलब सिंपल सा लॉजिक है, इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, राइट। इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x माइनस ऑफ 12। अगर मैं आपसे बोलूं माइनस कॉमन ले लें तो माइनस सिक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस सिक्स के बाद x प्लस 1 x प्लस 2। देखिए 6 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट माइनस का बहुत फर्क पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट चीज समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर मैं बोलूं कि फॉर इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स होगा ग्रेटर देन जीरो, फॉर डिक्रीजिंग आप बोलेंगे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। कैसे अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्कोर हाई करें ये हमारा मोटिव है, तो हम इस बात को समझें, क्योंकि आप लोग चाहते हो बीच बीच में कुछ ऐसे सेशंस लेता रहूं जिससे कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो इसमें एक चीज समझिए, जब आप बात करेंगे इंक्रीजिंग की तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब बात आप करेंगे डिक्रीजिंग की तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स एक्स इज लेस देन जीरो, इफ माइनस एक्स लेस देन जीरो देन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इनइक्वलिटीज कन्वर्ट हो जाती या ऐसा बोल सकते हैं हम ट्रांसफर हो गई। अब समझिए फॉर इंक्रीजिंग आप बोलेंगे ये माइनस सिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर चलिए लिख भी लें तो माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, राइट ये इंक्रीजिंग के लिए बोलेंगे। अब एक चीज समझिए, ये ग्रेटर देन जीरो जब भी हो सकती है जब इसका रिजल्ट भी माइनस हो, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। जब मैंने आपको इनइक्वेशंस के कंसेप्ट बताया तो बताया हुआ था पहले रियल लाइन पे अरेंज करें, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, हर चीज बहुत ही बेसिक से एक एक चीज को डिटेल में कवर किया गया है समझिएगा। तो ये एक बेसिक फंडा है। अब आप यहां पर आए तो इसको जब आप नेगेटिव इनपुट देंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग में, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस 1 x प्लस 2 इज लेस देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव साइन उसको इन्वर्ट कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ माइनस 2 से माइनस 1। बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसका ऑप्शन ये दिया भी था इंक्रीजिंग में, जो बच्चे करेंगे माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन ऑफ माइनस 1 टू इंफिनिटी, ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग नहीं होगा, यही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब आप बोलेंगे माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन जीरो,
अब ये लेस देन जीरो कब बना रहेगा, जब इसमें आप कोई पॉजिटिव देंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव वाला स्केल कंसिडर करना है, या तो ऐसे सोचें या फिर हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, x प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ है, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यूनियन ऑफ माइनस वन टू इन्फिनिटी। अब लॉजिक से समझें तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक डिक्रीज हो रहा है, फिर माइनस वन से इन्फिनिटी में, और इंक्रीजिंग कहाँ से, माइनस टू से माइनस वन तक। मतलब इसको ग्राफिकली समझें तो कुछ ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो आगे चल के आप ध्यान रखना, माइनस वन पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, माइनस टू पे पक्की बात है पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। और ये जब ग्राफ यहाँ पर भी एंडलेस है और वहाँ पर भी एंडलेस है, इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, जो कंसेप्ट बताएं। तो जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, जब आप थ्योरी पढ़ें, तो कंसेप्ट बना के पढ़ें। जब कंसेप्ट बना के थ्योरी पढ़ेंगे तो आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। विदाउट कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं या हम उसको ऊपरी तौर पर पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को पहले। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π, द पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π वेयर fx इक्वल टू ई पावर x साइन x हैज मैक्सिमम स्लोप। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या मिस्टेक होती है। मैं पहले वो क्वेश्चन ले रहा हूं जिनमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वो माइनस उसका कीवर्ड था, ऐसे ही क्वेश्चन में हम गलत कर देते हैं और कई बार हमें लगता है हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिलेटेड टॉपिक नहीं आता, पर कई बार मिस्टेक कुछ और होती है। तो इन क्वेश्चन में कंसेप्शन मिस्टेक बहुत पॉसिबल है। सबसे पहले एक बार समझें कि किस पे मैक्सिमम यूज किया है वर्ड। आपको बोला है मैक्सिमम स्लोप, यानी स्लोप ऑब्जेक्ट फंक्शन है, y इक्वल टू या fx इक्वल टू ई पावर x साइन x ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं है। तो हमसे मिस्टेक कई बार ये हो सकती है कि हमने f'x किया जो मिला e पावर x फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और हम इसे जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसे ही आपने इसे जीरो से इक्वेट किया तो आप बोलेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, देन ऐसा भी लिख सकते हो आपकी साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स या टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन 3π/4। अब वो बाई चांस हो सकता है 3π/4 ऑप्शन। तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है, पर ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, कट करो। जो चीज हो सकती है पॉसिबल, मैं पहले आपके साथ जो आप सेशंस लूंगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अब आप हो सकता है कि आप एनडीए में अपेयर हो रहे हो, आप एमसी में अपेयर हो रहे हैं, आप आईआईटी में अपेयर हो रहे हैं किसी एग्जाम में, तो अब एग्जाम्स का टाइम कुछ समय बाद आएगा, तो इसके पहले आपसे क्या क्या एग्जाम में मिस्टेक्स होती है वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो समझिएगा, आपको मिला f'x इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट फंक्शन है, क्योंकि जो स्लोप है, आपसे बोला है स्लोप जो है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब आप समझिए इसे ऑब्जेक्ट फंक्शन बोलेंगे, जहां पर भी कई बार सेकेंड डेरिवेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है। अब इसे डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट टाइम जैसा मानते हुए तो सही निकलेगा। तो e पावर x साइन x प्लस कॉस x, e पावर x कॉमन हो जाएगा, साइन x का कॉस x माइनस ऑफ साइन x, ये दोनों कैंसिल, एक तरह से मिल गया 2 times ऑफ e पावर x कॉस x। फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी जीरो, यस और नो। इसका मतलब 2e पावर x कॉस x इक्वल टू जीरो, देन कॉस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू या 3π/2 ऐसा हो सकता है। अब क्या होगा ये चेक करना है, तो भी आप अगला डेरिवेटिव कर सकते हो, पर समझिएगा कि आप इसे अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू रखना है। तो कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, इसका मतलब पाई बाई टू रखने पर आपको निगेटिव मिलेगा, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये है मैक्सिमा, राइट द पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट मिला, पाई बाई टू मिला। आप चाहते तो इसको वेरीफाई करने के लिए, याद रखिए इसको करते, जो एक तरह से कहने को ट्रिपल डिफरेंशिएशन है, पर ऑब्जेक्ट फंक्शन है मैक्सिमम स्लोप, यानी जो फंक्शन है उसका स्लोप मैक्सिमम बताना है। तो स्लोप निकालने के बाद जब ऑब्जेक्ट फंक्शन बन जाए जब डिफरेंशिएट करिए, उसके पहले मत करिए। अब आप चाहें तो कॉन्फिडेंस के लिए इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू टाइम्स ऑफ ई पावर एक्स
एक बार cos x माइनस sin x। अब देखिए जब आप पाई बाय 2 रखेंगे तो 0, तो नेगेटिव मिलेगा, यानी पाई बाय 2 पे मैक्सिमा, और 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो ये मिलेगा पॉजिटिव, तो मिनिमा। तो करेक्ट आंसर इज, इसलिए बिल्कुल पॉसिबल है कि यहां पर एक 3 पाई बाय 2 दिया होता। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। व्हाट आर द पॉइंट ऑन द कर्व, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब इस कर्व पर ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, कई कंसेप्ट को करना चाहिए जब आप फाउंडेशन पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूं और यही कोशिश करता हूं कि जब हम फाउंडेशन पढ़ें, यानी जब हम बेस बिल्ड करें, तो वो हर लेवल पे, हर डायमेंशन पे इतने अच्छे से कवर करें कि प्रॉब्लम ना जाए। जैसे ये देख के समझ में आ रहा है कि सर्कल है और इसका सेंटर 1,0 है, मतलब कुछ इस तरह का ये एक सर्कल है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका रेडियस क्या है, वो भी आप बता सकते हैं, 1+3, यानी रेडियस इसका 2 है। तो कुछ इस तरह का एक ये सर्कल है, ये हो गया 1,0। अब आपको बोला टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस ये वाली टेंजेंट होगी, तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो अगर इस पर ध्यान से दो, तो एक कोऑर्डिनेट फर्स्ट में और एक फोर्थ में, तो फर्स्ट और फोर्थ में, तो एक ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी 0 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब जो इस पॉइंट को, क्योंकि कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो आप रख दो, x की जगह आपने रखा 1, y की जगह रखा 2, 4, माइनस 2, माइनस 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी रख के देख लें, ऑब्वियसली नहीं करेगा, 2 रखोगे तो 4+1, 5, माइनस 4, माइनस 3, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। एक्चुअल में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हम किस लेवल पे जाके सोचते हैं, यानी हमारे पास मेथड, कंसेप्ट, लॉजिक, ऑप्शन, अप्रोच सब होना चाहिए। और ऑप्शन से करो तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 राइट ढूंढना है। आप श्योर थे कि ये 2 हो नहीं सकते, ये है नहीं, सेटिस्फाई कर रहा, बचा हुआ ऑप्शन ये करेक्ट होगा। बाकी मेथड से करते तो सिंपल था, केवल आपको करना ये था कि dy/dx करते, तो dy/dx निकालते तो 2x, इसका इम्प्लिसिट फंक्शन से भी निकाल सकते थे, 2x-2/2y, मतलब बेसिकली आप बोल सकते थे x-1/y। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली स्लोप विल बी 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू देखिए 1 यहां पर ही है, खत्म, ये भी नहीं चेक करना। और x की वैल्यू 1 रख के यहां पर आप y फाइंड आउट कर सकते थे, y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती तो 2 वैल्यू y की मिलती। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और समझिएगा। इफ fx = kx³ - 9x² + 9x + 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, k < 3, k < 3। अब देखिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मीन्स f(x) > 0, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मीन्स f(x) < 0। अगर f(x) > 0 होता तो जस्ट इंक्रीजिंग बोलते हैं। मोनोटोनिकली मतलब एक जैसा, यानी कहीं पे भी चेंज ना आए, जैसे e^x, log x, x³, ये सब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं। या f(x) अगर < 0 मिले, y = -x, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसे मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। अगर ये > = होता तो केवल डिक्रीजिंग, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कितना अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा कि fx = kx³ - 9x² + 9x + 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सिंपल, आपने f(x) निकाला तो क्या आ गया, 3 times of kx² - 18x + 9। फॉर इस मोनोटोनिक फंक्शन दिस शुड बी > 0, 3 बाहर भी लिख सकते हो, kx² - 6x + 3, दिस शुड बी > 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन > 0 हो, मीन्स इसके रूट्स हमेशा इमेजिनरी होते हैं, मीन्स b² - 4ac < 0 मिलेगा। ये कंसेप्ट 500 जगह आपके काम आने वाला कंसेप्ट है, इसका मतलब b² < 4ac। तो b कितना 6, तो 36 < 4
into k into 3. इसका मतलब k is greater than 3. K is greater than 3 is a right answer. यानी किस approach से question को कर सकते हो, ये बहुत important बात है. Right? Note down this question. Yes. Next question देखते देखे, next question क्या हो समझिएगा. What is the least value of fx? इस function की least value क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है. यानी अब आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बताना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है. लीस्ट मतलब ये, तो इसका मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो तो मिलेगा आपको. तो आपने जब डिफ्रेंशिएट किया तो बोलिए 6x² - 6x - 12, 6 कॉमन, तो x² - 2x - 2, राइट. अब इसमें से चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, x - 2 x + 1, मतलब 2 और -1. अब देखिए जब भी 2 पॉइंट मिले हैं तो एक पर मैक्स होगा, एक पर मिनिमा. पता करना तो आप चाहें तो डबल डेरिवेटिव से एक स्टेप में हो जाएगा. डबल डेरिवेटिव का काम ही यही है. आपने जब इसमें मान लीजिए -1 रखते तो नेगेटिव मिलता. इसका मतलब -1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये मैक्सिमा है. ये मिनिमा है, सॉरी ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, क्योंकि 2 पर आपको ये पॉजिटिव मिलेगा. तो आपसे मिनिमा पूछा है तो बस आप इसमें 2 रख दीजिए. तो जैसे ही 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 8 16, 2 का स्क्वायर 4 4 12, -24 + 1, यानी ये हो गया -36. तो 20 माइनस का प्लस का 1, यानी -19 इज अ राइट आंसर. अब इंटरवल कहने को जरूर दिए हैं -2 और 2.5 पर. लॉजिक से समझिएगा, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा ग्राफ, तो इसका मतलब ऑब्वियसली 2 पर जो वैल्यू होगी उससे कम वैल्यू होगी 2.5 पर, मतलब ज्यादा होगी तो ये लीस्ट हो गया. ऐसे ही इस पर जो वैल्यू होगी उससे कुछ कम होगी, तो ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि ये लोकल मैक्स लोकल मिनिमा है. तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई, -19, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन.